नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में दो विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले पथरिया विधानसभा क्षेत्र के बटियागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मन से कमलनाथ सरकार की नाकामियां दिखाई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने उनकी सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद कर दिया था। इस दौरान सीएम शिवपाल सिंह चौहान ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आम जनता से मुलाकात भी की, जिसके ठीक बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हाटा विधानसभा के हाटा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी उमा देवी खटीक के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। यहां पर उन्होंने उमा देवी के पत्र का उल्लेख करते हुए सरकार आने पर उन सभी बातों को पूरा करने की बात कही है। उन्होंने हाटा क्षेत्र में किसी का भी मकान नहीं गिराए जाने का आश्वासन दिया। कोई नहीं आएगा, मैं सीधे बात करूंगा। मेरे भांजो जिंदाबाद, तुम्हारे लिए ही मैं जिंदा हूं। अब ये सोच लो, बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के जावरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी जमकर कटाक्ष किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें नवरात्र में कन्या पूजन से भी आपत्ति है। वो कहते हैं मैं नौटंकी करता हूँ, क्या कन्या पूजन नौटंकी है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 18 महीने के कार्यकाल में भाजपा की सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन मैं कमलनाथ जी द्वारा बंद योजनाएं प्रारंभ कर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हवाई जहाज से सफर कराऊंगा। चौहान ने 13 मिनट के भाषण में लाडली बहना योजना और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर जनहितैषी काम करेगी। हम प्रदेश के साथ ही जावरा में भी विकास की गंगा और बहाएंगे। विकास की इसी श्रृंखला में उन्होंने जावरा में 10 सीएम राइज स्कूल देने की घोषणा की है। खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान पवैया ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब कल्याण और विकास की अवधारणा को लेकर राजनीति करती है। लाडली बहना योजना को पार्टी अगर मुद्दा बना रही है तो ये उसकी एक कामयाबी है, क्योंकि गरीब हित में उठाया गया कदम लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए। उन्होंने हमास संगठन को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा कि इस संगठन ने इसराइल के 1400 निर्दोष लोगों की हत्या की, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? भाजपा नेता पवैया ने आगे कहा कि हमारे प्रदेश के खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी हमास के लोगों के मारे जाने पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं, क्या यह देश विरोधी कदम नहीं है? जब सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वो इसराइल के साथ है, ऐसे में देश के अंदर इस तरह की आवाज उठाना कि आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अब चुनावी मौसम में राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं वो दरअसल राम विरोधी हैं। आगे उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हर तरह की बाधाएं खड़ा करने की कोशिश की है। सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गाँव में, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं लोगों के, राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, 1400 निरपराध इसराइलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। अब खबर सागर से है, जहां रैली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी जोरों पर है। बीजेपी के 40 साल के किले को ध्वस्त करने कांग्रेस एकजुट होकर हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में भाजपा नेता और मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव का बयान भी सामने आया। मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार विधायक के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस चाहे तो इस बार का चुनाव निर्विरोध करा सकती है। अगली बार हम लोग सभी मिलकर कांग्रेस को निर्विरोध करा देते हैं। हालांकि बयानबाजी का दौर इस समय चालू है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है तो वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भी लगातार हमलावर है।
अब छिंदवाड़ा से खबर है जहां स्वीप कार्यक्रम के तहत मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता के इस कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोगों ने शिरकत की। वहीं आकर्षक सेल्फी पॉइंट के साथ विद्यार्थी और महिलाएं विशाल मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान करने के लिए भी जागरूक करती हुई नजर आई। विद्यार्थियों ने मतदाता गीत पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और इसके साथ हस्ताक्षर अभियान आदि भी आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता और पहली बार वोट करने जा रहे युवा मतदाताओं का सम्मान भी किया गया। मतदान से संबंधित अन्य जानकारियां भी शेयर की गई है। जिन दस्तावेजों के आधार पर मतदान किया जा सकता है उनकी जानकारी दी गई है। जिस तरह से ई एपिक डाउनलोड किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। और प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो सुविधाएं जरूरत है मतदान करने के लिए और मतदान दलों के लिए, उसकी व्यवस्था को भी देखने का इस स्वीप अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जिला मुख्यालय पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। और ग्वालियर की डबरा पुलिस ने शातिर बदमाश शाकिफ उर्फ सोनू के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 122 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। शफीक ने 20 अगस्त को डबरा इलाके में ही दलित नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और आपको बता दें कि 24 जुलाई को ही अनुविभागीय अधिकारी ने शफीक को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके और 2 साल तक किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने के लिए बाउंड ओवर भी किया था। बावजूद इसके अगले ही महीने शफीक ने 14 साल के दलित नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ दलित उत्पीड़न पॉक्सो एक्ट और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की अनुशंसा पर एसडीएम ने उसके निजी मुचलके की राशि को जब्त कर लिया और उसे 2 साल के लिए न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल भेज दिया है। यहां उसके जमानत आवेदन पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें पाबंदियों की शर्तों के लागू होने के अगले ही महीने किसी अपराधी ने गंभीर और संगीन किस्म के अपराध को अंजाम दिया। शफीक खान डबरा का आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मामले लंबित हैं। डबरा पुलिस ने कल एक जो आदतन अपराधी था सोनू उर्फ शफीक करके, आदतन अपराधी होकर उसके विरुद्ध 110 की कार्रवाई की गई थी। 110 की कार्रवाई में उसको एसडीएम न्यायालय द्वारा बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 1,00,000 रुपए का जमानत राशि तथा 2 वर्ष के लिए सदाचार का बाउंड भरवाया गया था। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के फिजिकल कॉलेज के सामने साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण यूनिवर्सिटी कैंपस जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने कार को ट्रेस कर लिया है, लेकिन उसे बरामद नहीं किया जा सका है, ना ही आरोपी के बारे में फिलहाल कुछ पता चल पाया है। वही इस मामले पर पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराजपाड़े पर टेलरिंग का काम करने वाले संतोष शाह के LNIPCE कैंपस रेस कोर्स रोड पर रहते हैं। वो महाराजपाड़े में अपना काम निपटाकर रात को कैंपस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें कार की चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर आ गए और उन्होंने रेस कोर्स रोड पर कुछ समय के लिए जाम कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही कार चालक को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो सका। तो एक स्विफ्ट कार के चालक ने तेज गति और लापरवाही से चलाकर उसमें टक्कर मार दी और घायल जो है मौके पर ही पड़ा रहा। जैसे ही LNIP के छात्रों को पता चला तो उन्होंने आके उसको हॉस्पिटल के लिए भेजा। वो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजन की रिपोर्ट पर से थाना पड़ाव में स्विफ्ट कार चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की जा रही है। अब ग्वालियर से खबर है जहां जनकगंज थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी में सोमवार की रात हुए एक मकान में विस्फोट से घायल महिला चंदा देवी जैन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति विनोद जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि महेश दुबे के मकान में किराएदार विनोद जैन की रसोई में सोमवार रात अचानक विस्फोट हो गया था, जिससे घर की छत तक उड़ गई थी। इसमें दबकर विनोद की पत्नी चंदा देवी घायल हो गई थी। हालांकि दमकल कर्मियों को घर में सिलेंडर सही सलामत मिला था।
बाद में एफएसएल की वहां मिले विस्फोट पदार्थ का परीक्षण किया गया तो पता चला कि घर में अवैध रूप से आतिशबाजी की गई थी, जिसमें विस्फोट हुआ था। विस्फोट इतना बड़ा था कि आधी रात को शंकर कॉलोनी में हड़कंप मच गया था। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। बाद में इसमें किराएदार विनोद जैन के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि विनोद जैन ने यह विस्फोटक सामग्री अपने पास किस उद्देश्य से रखी थी। जनकगंज थाने में विनोद जैन द्वारा अपने घर में देसी विस्फोटक पदार्थ हाथ के बने हुए बनाए जा रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हो गया था। उसके कारण उसकी पत्नी घायल हो गई थी गंभीर अवस्था में, तो उसकी पत्नी इलाजरत थी और कल दिनांक को पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसके विरुद्ध धारा 304 अब का अपराध पंजीकृत किया गया, धारा बढ़ाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात